पहले ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। जैसलमेर के फतेहगढ़ में गांव को जोड़ने वाली सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सागर से भेलाड़ी डागरी लखमाड़ा सहित कई गांव की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। वाहन चालक भी इससे परेशान हो गए हैं। भरतपुर के रूपवास में उपखंड मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत शक्करपुर के गांव पांडुरी के सरकारी स्कूल को जाने वाले रास्ते में भरे पानी कीचड़ से आमजन परेशान है। झालावाड़ के खानपुर में सीएम राज्य की बजट घोषणा कारगर होगी। दरा अरनिया प्रस्तावित हाईवे सड़क निर्माण 130 करोड़ की लागत में होगी। 76 किलोमीटर सड़क पर पीपीपी मोड से इंटरमीडिएट निर्माण होगा। चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादरी में नगर पालिका क्षेत्र में गैराज और टायर पंक्चर बनाने वालों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिससे नगर पालिका में पैदल आने वालों को आने जाने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। टोंक के उनियारा कस्बे के कई वार्डों में अंधेरा व्याप्त है। कई वार्डों के पोल से बिजली गुल रहती है। अंधेरे में लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वहीं आवारा पशु के टकरा जाने से लोग घायल हो रहे हैं। करौली की टोड़ा भीम पंचायत समिति के बस स्टैंड पर शौचालय नहीं होने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यात्रियों को होने वाली दिक्कतों से न रोडवेज को चिंता है और न ही स्थानीय प्रशासन को। झालावाड़ के जालदापाटन में बारिश के पानी की वजह से बीएसएनएल सेवा बाधित है। टेलीफोन ब्रॉडबैंड सुविधा ठप हो गई है। बैंकों के सर्वर कनेक्टिविटी बंद होने से ग्राहक परेशान है। लेन देन में भारी परेशानी हो रही है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में आगुचा पंचायत के भैरुखेड़ा ग्राम की सड़क जर्जर है। 2 सालों से क्षतिग्रस्त सड़क की सार्वजनिक निर्माण विभाग कोई सुध नहीं ले रहा है। बारिश के मौसम के चलते दोपहिया वाहन चालक कीचड़ से फिसलकर गिर रहे हैं। सरपंच ने पैचवर्क के लिए विभाग को पत्र लिखा है। ग्रामीण भी इससे परेशान हो रहे हैं। चूरू के सालासर में गंदगी का ढेर लगा है। समय पर सफाई नहीं हो पा रही है, इससे मोहल्लेवासी परेशान है। संबंधित विभाग को अवगत कराने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सवाई माधोपुर के खंडार में सीसी रोड पर घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है। निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्य नहीं हो रहा। ग्राम पंचायत खंडार का यह मामला। झालावाड़ की खानपुर पंचायत समिति में इंटरनेट सेवाएं 2 दिन बाद बहाल हुई। आपको बता दें कि इंटरनेट नहीं होने से सरकारी विभागों की सेवाएं प्रभावित हो रही थी। अतिरिक्त भार से जेटीओ अक्सर निर्धारक रहते थे। भरतपुर के कामा कस्बे में अतिक्रमण से रास्ते सक्रिय हो रहे हैं, जिसके चलते वाहन चालकों को निकलने में दिक्कतें आ रही हैं। नगर पालिका प्रशासन अतिक्रमियों पर कार्रवाई कर रास्तों को और सुगम बना सकता है। झुंझुनू के बड़ा गांव में ग्राम पंचायत बुढ़ागौड़ी से गुजरने वाली 11 केवी की विद्युत लाइन से खतरा बना है। घरों की छतों के सहारे लाइनें टिकी हैं। विभाग की लापरवाही के चलते बड़ा हादसा हो सकता है। भरतपुर के आलेना में गांव और रहीमगढ़ में रसद सामग्री की कालाबाजारी जारी है। दलित व गरीब परिवार के उपभोक्ता रसद सामग्री से वंचित रह जाते हैं। प्रशासन भी ध्यान नहीं देता। चौक के उनियारा में बौलीथल से अलीगढ़ जाने वाले रास्ते का कार्य कछुआ चाल से चल रहा है। 9 माह से नाम मात्र का काम हो पाया है, लेकिन प्रशासन निर्माण कार्य पर ध्यान नहीं दे रहा है। भरतपुर के डीग में एक परचून व्यापारी से रविवार शाम को कोसी कला के गांधीनगर बस स्टैंड पर अज्ञात लोगों ने गोली मारकर उसे घायल किया और 1.5 लाख रुपये से भरे बैग को लेकर फरार हो गए। भरतपुर के वैर कस्बे में 4 ATM खराब पड़े हैं। SBI, SBI और PNB के ATM खराब हैं। पिछले 10 दिन से बैंक खराब पड़े हैं। बैंक अधिकारी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। वहीं लोग भी काफी परेशान हो रहे हैं। करौली के टोड़ा भीम में नहर से माजरी तक सड़क बदहाल हो रही है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं देता। वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, लेकिन PWD के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अलवर के तिजारा में होली टीवर चौक पर नाले में 3 दिन से मृत पड़े जानवर को पालिका ने नहीं निकाला। सड़ान से लोगों का चौक से गुजरना तक अब मुश्किल हो गया है। अलवर के रामगढ़ में पानी का संकट है। विधायक कोटे से 2 सिंगल फेज टंकी का निर्माण किया गया था। 2 साल बाद भी एक बूंद पानी नहीं मिला, लेकिन विभागीय रिकॉर्ड में टंकी चालू स्थिति में है। अजमेर के पीसांगन में वार्ड 3 के बाशिंदों को बीसलपुर पानी का इंतजार है। विभाग की अनदेखी के चलते वार्ड में पाइपलाइन बिछाने का कार्य नहीं हुआ। झालावाड़ के मनोहर थाना में युवक ने आत्महत्या कर ली। मनोहर थाना कस्बे के बीनागंज कॉलोनी का मामला है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में रेलवे स्टेशन पर फोटोवॉबिस का काम शुरू हुआ। यात्रियों को लाइन क्रॉस करने से निजात मिलेगी। सुलभ कॉम्प्लेक्स और अन्य सुविधाओं के लिए टेंडर जारी किए गए। हनुमानगढ़ के टिब्बी में ट्रैक्टर और बैलगाड़ी की भिड़ंत हो गई। बशीर गांव के पास की घटना है। 4 घायलों को टिब्बी CSU में भर्ती करवाया गया है। अलवर के राजगढ़ में ग्राम माचाड़ी की घाटी के समीप से पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप पर 3 लोगों को बाइक सहित गिरफ्तार किया। भरतपुर के कामा में राजकीय अस्पताल में डॉक्टर की कमी के कारण मरीज परेशान हो रहे हैं। BBP कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार कामा को ज्ञापन देकर डॉक्टर नियुक्त करने की मांग की। झालावाड़ के पिड़ावा में कराड़िया गांव में ग्रेवल सड़क नहीं है। कराड़िया से मध्यप्रदेश सीमा तक सड़क का अभाव है। बारिश में रास्ते पर पानी और कीचड़ भर जाता है। स्कूली बच्चों सहित ग्रामीण भी परेशान होते हैं।
जैसलमेर की रामगढ़ में कुछड़ी गांव के निकट पवन ऊर्जा संयंत्र में चोरी हो गई। सुरक्षा अधिकारियों ने रामगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने एक युवक को फिलहाल गिरफ्तार किया। धौलपुर के राजाखेड़ा में भीषण गर्मी और उमस में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हो रहे हैं। कई घंटों तक बिजली आपूर्ति ठप रहती है, अधिकारी जानकर भी अनजान बने हैं। जैसलमेर के पोखरण में धूर्सर प्लांट पर विरोध प्रदर्शन जारी है। स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग की। सीएसआर मद का सही उपयोग करने की मांग भी की गई। युवा नेता रावल सिंह भाटी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जा रहा है। चूरू के रतनगढ़ में शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। पहले सावन सोमवार पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मंदिर में भगवान शिव का भव्य श्रृंगार किया गया। अजमेर के मसूदा क्षेत्र में बरसात के मुंह मोड़ लेने व पानी के अभाव को लेकर ग्रामीणों ने भगवान इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए घरों से बाहर खीर चूरने का भोग लगाकर बारिश की मन्नत मांगी। चौक के देवली में पुलिस की मिलीभगत उजागर हुई है। 100 ग्रामीणों को पाबंद कर दिया गया है। बजरी निर्धारक के इशारों पर पुलिस वहां नाचती है। बजरी खनन का ग्रामीणों ने विरोध किया था। चौक के मालपुरा में डिग्गी इलाके की 2000 मीटर सड़क जलदाय विभाग की ओर से तोड़ी गई, लेकिन ठीक नहीं की गई। विधायक कन्हैयालाल ने कलेक्टर से इसकी शिकायत की। बिना पंचायत की स्वीकृति के पाइपलाइन डाली गई। अजमेर के विजयनगर में नगर पालिका में एसडीएम सुरेश चावला ने वन महोत्सव का शुभारंभ किया। पालिका क्षेत्र में 5000 पौधे लगेंगे। तहसीलदार भावना सिंह नगर पालिका अध्यक्ष वहां मौजूद है। चूरू के सादलपुर में बेटी से दुष्कर्म का आरोपी पिता पुलिस पकड़ से दूर है। घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। नशे की गोलियां खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। जैसलमेर की नाचना में सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में भीड़ रही। सुबह जल्द ही मंदिरों में महिलाएं पूजा करने पहुंची। दिनभर यह सिलसिला वहां चालू रहा। झालावाड़ के बकानी में अटल सेवा केंद्र का कंप्यूटर चोरी हो गया। देवनगर अटल सेवा केंद्र से ताला तोड़कर कंप्यूटर, यूपीएस, वाईफाई, डोंगल और सीमेंट की बोरी भी चोरी हो गई। झालावाड़ के अकलेरा में नगर पालिका ने प्रस्ताव लिया। शहरों की तर्ज पर सौंदर्यीकरण होगा। 3 बत्ती चौराहे पर फव्वारा लगाने का काम शुरू हो गया। झालावाड़ के डग में पॉस मशीनों में फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहे हैं। नेटवर्क के अभाव में मशीनें नहीं चल रही। गरीबों को राशन सामग्री नहीं मिल रही है। राशन की दुकानों पर आए दिन हंगामे होते रहते हैं। जालौर के चितलवाना क्षेत्र में रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए लोगों ने जगह जगह राम रसोई की व्यवस्था की। रसोई में श्रद्धालुओं को पानी, भोजन, मेडिकल सहित आराम करने की भी व्यवस्था की गई है। जालौर के रानीवाड़ा क्षेत्र में बारिश नहीं होने से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ में आबकारी अधिकारी के आदेशों को ठेंगा दिखाया गया। आदेश के बावजूद शराब के ठेके नहीं हटाए जा रहे हैं। जैसलमेर के फतेहगढ़ में पशुधन सहायक के भरोसे पशु चिकित्सालय है। उपखंड पर प्रथम श्रेणी का पशु चिकित्सालय है, जिसमें लंबे समय से अधिकांश पद रिक्त हैं। दौसा के महवा में सर्व समाज की बैठक विधायक ओम प्रकाश उर्ला की अध्यक्षता में हुई। बैठक में ग्रामीणों ने शराब नहीं पीने व अवैध रूप से गांव में शराब नहीं बेचने का भरोसा दिलाया। सिरोही किशनगंज में अच्छी बारिश नहीं होने से इलाके में सब्जियों का उत्पादन कम हो गया है। उत्पादन कम होने के बावजूद किसानों को सब्जियों का उचित दाम नहीं मिल रहा है। सवाईमाधोपुर के खंडार में सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में शिव के जयकारे गूंजे। खटोलेश्वर, बालेश्वर, झरेश्वर में महिलाओं ने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर अपना व्रत खोला। हनुमानगढ़ की नोहर में भावल देसर राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर अनशन कर रहे 77 वर्षीय मेगाराम की तबीयत बिगड़ी। नोहर उसे रेफर किया गया। जालौर के सांचौर में मेहता मार्केट में विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। महिला उदयपुर के पास केसरिया जिसकी रहने वाली थी और मकान निर्माण के रूप में श्रमिक का काम करती थी। और खबर पंचायत में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। बने रही फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।